हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज का वीडियो बहुत रिक्वेस्टेड है। बहुत समय से स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली हमसे बोल रहे थे यूट्यूब चैनल के ऊपर, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर और मेल के जरिए भी कि गेट बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए कि उसमें 2024 में गेट बीटी 2024 की तैयारी हमें कैसी करनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसी अप्रोच रखनी चाहिए, कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, किन बातों का विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए, कितनी देर पढ़ना चाहिए, ये सारी की सारी बातों के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। बहुत समय से रिक्वेस्टेड वीडियो है और आज मैंने आप सभी के जो डाउट्स थे, सभी के जो क्वेरीज थी, उनको इकट्ठा कर लिया है और आज उन सभी क्वेरीज के ऊपर बात करूंगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि सारे क्वेरीज के ऊपर हमें बात करनी है, बट ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आई एम डेड श्योर कि आपके कॉन्सेप्ट, आपकी क्लियरिटी रिगार्डिंग गेट बायोटेक्नोलॉजी काफी क्लियर हो जाएगी, काफी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो जाएगी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल है, डू यू विश टू गेट ए आई आर अंडर 100 इन गेट बी टी 2024? ये पहली स्लाइड भी है, अगर आप गौर से देखें तो ये स्लाइड यही पूछ रही है आपसे कि क्या आप गेट बायोटेक्नोलॉजी 2024 का जो एग्जाम फरवरी में होने वाला है, क्या आप उसमें ऑल इंडिया रैंक 100 उससे कम लाना चाहते हैं? अगर ये जवाब हाँ है तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देख जाइएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप स्मार्ट वर्क से और कंटिन्यूअस परसिवरेंस से आप सक्सेस को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि पहले पेज के ऊपर आप देख सकते हैं हाउ टू गेट एआईआर अंडर 100 इन गेट बीटी 2024। इससे भी पहले आपको एक चीज बता दूं कि इस बार का गेट बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम आप जानते होंगे कौन कंडक्ट करवाने वाला है, IISc बैंगलोर। ठीक, तो अगर आपने गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं और आपने ऑब्जर्व किया है तो IISc बैंगलोर जब भी पेपर बनाता है तो पेपर कंसेप्चुअल बनता है और आप न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि देखिए बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग वगैरह के ऊपर न्यूमेरिकल काफ़ी आने की उम्मीद है, तो उसके लिए तैयार रखिए अपने आप को। प्लस बेसिक्स जो है आपका बायोकेमिस्ट्री वगैरह, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आने वाला है, इसके लिए अपने आप को तैयार रखिए। RDT के ऊपर क्वेश्चन अच्छे आने वाले हैं, इसके ऊपर अपने आप को तैयार रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि अगर हम अगस्त से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो क्या हम AIR अंडर 100 टारगेट कर सकते हैं, क्या हमारी इतनी रैंक आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी, निसंदेह आ जाएगी, श्योर शॉट आ जाएगी। आपको बस जो जो बातें बोल रहा हूँ वो फॉलो करते जाना है और आप अच्छा रैंक लेकर के आ सकते हैं, AIR 100 लेकर के आ सकते हैं। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज 15 अगस्त है, 15th of August इंडिपेंडेंस डे है, क्यों ना इसी दिन से शुरुआत की जाए अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है। अगर आप शुरू कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने अभी तक भी तैयारी नहीं शुरू की है तब भी हमारे पास लगभग 6 महीने का समय है। गेट बायोटेक्नोलॉजी के लिए 6 महीने का समय ठीक ठाक है, पर्याप्त है, आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आपको स्ट्रैटेजी के साथ काम करना पड़ेगा, जिन टॉपिक्स का उतना वेटेज नहीं है उसको आप उतना ज़्यादा टाइम मत दीजिए, उल्टी सीधी चीज़ों को ना पढ़िए, जो इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर ध्यान लगाइए। तो सबसे पहले क्वेश्चन का जो जवाब है, अगस्त से जनवरी के बीच में अगर हम रेगुलरली पढ़ाई करें, क्यों सर फरवरी में क्या हो जाएगा? फरवरी में ही आपका एग्जाम होगा। ठीक, आपका वेबसाइट आ चुका है, यानी कि वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है गेट बायोटेक्नोलॉजी की, गेट बायोटेक्नोलॉजी की ही क्यों, गेट की पूरी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है और उसमें टेंटेटिव डेट्स भी आ चुकी हैं। बट अभी ये नहीं पता है कि किस एग्जामिनेशन की कौन सी डेट होगी या कौन से सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन कौन से दिन पड़ेगा, बट एक रफ आइडिया है कि फरवरी 11-12 के आसपास एग्जामिनेशन पड़ता है हर बार, हो सकता है इस बार भी तभी पड़े। ठीक, तो सबसे पहला जो सवाल था कि अगस्त से जनवरी के बीच में अगर हम प्रिपरेशन करें तो क्या हमारी अंडर 100 AIR आ सकती है? तो इसका आंसर है यस, ऑफ कोर्स आ सकती है। ठीक, अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हमें प्रिपरेशन अपनी कैसे करनी चाहिए, क्या हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या हमें कोचिंग क्लासेस करनी चाहिए, कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए? तो देखिए यहाँ पे इस सवाल का कोई एक पर्टिकुलर जवाब नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए कोचिंग क्लासेस करने से फायदा क्या होता है, कोचिंग अगर आप कर रहे हो तो आपकी पढ़ाई में रेगुलरिटी आ जाती है, सिंसियरिटी आ जाती है, प्लस डेली अगर जैसे मैं अपनी क्लासेस की बात करूँ जो मेरे साथ बच्चे पढ़ रहे हैं तो मेरी क्लासेस रेगुलर होती हैं, हर रोज मुझे 1.5 घंटा पढ़ाना ही पढ़ाना है, उसके बाद हर रोज मुझे DPP देना ही देना है, तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मैं डेली दे रहा हूँ, रोज मैं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या है बच्चों की पढ़ाई में एक रेगुलरिटी है। अब ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ लिया 5 घंटे और अगले दिन कुछ भी नहीं पढ़ाई की, ये चीज़ जो है वो स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। एक रेगुलरिटी होनी चाहिए, भले ही आप 2 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन वो 2 घंटे भी आप डेली पढ़ो तब बात है,
1 घंटे आप 5 घंटे, एक दिन आप 5 घंटे पढ़ ले रहे हो, एक दिन आप एक कुछ भी नहीं पढ़ पाए, फिर 3 4 दिन कुछ भी नहीं पढ़ा आपने, फिर अगले दिन पढ़ लिया 6 घंटे, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। इससे क्या होगा, आप जो एक दिन पढ़े हो, 4 5 दिन अगर आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए, उसको दोबारा रिवाइज नहीं किया, तो वो भी खत्म हो जाएगा, यानी कि आपकी 5 घंटे की मेहनत भी खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से पढ़ाई बिल्कुल नहीं करिए, ठीक। तो क्या करना है, आप अपनी पढ़ाई में एक रेगुलरिटी लेकर के आइए। अगर आप ये खुद कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसा नहीं कर पाते, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको अपनी पढ़ाई में इतना मोटिवेशन नहीं आ पाता है कि वो खुद से पढ़ाई कर सके। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है, अगर आप भी रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते, अपने आप से आप सच बोलिए इस समय, अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं खुद ब खुद, रेगुलरली पढ़ लेते हैं, तो आप खुद से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो फिर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको पढ़ना क्या है, सबसे बड़ी चीज है कि स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता कि हमें पढ़ना क्या है। लेनिंजर सबके पास है, प्रेस्कॉट सबके पास है, वॉइट एंड वाइट सबके पास है, एल्बर्ट सबके पास है, गार्डनर सबके पास है, भाई तो निकल क्यों नहीं रहे इतने सारे लोग। किताबें तो सबके पास हैं, किताब अगर हार्ड कॉपी नहीं है तो पीडीएफ वर्जन है सबके पास, तो उतने स्टूडेंट्स सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहे। सेलेक्ट इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनको ये नहीं पता कि हमें क्या पढ़ना है। इतनी पूरी किताब तो कोई नहीं पढ़ सकता। मैं आपको अगर 6 महीने दूंगा तो लेनिंजर पूरी बोलूँ तो आप पढ़ लोगे 6 महीने में, नहीं पढ़ सकते। प्रेस्कॉट दूं, पढ़ लोगे 6 महीने में, नहीं पढ़ सकते। इस इन किताबों में से आपको पढ़ना क्या क्या है ये पता होना चाहिए। अगर पता है तो आप अपने से पढ़ सकते हो, नहीं पता है तो आपको क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी। अब क्लासेस ज्वाइन करने का एक और फायदा यह है कि क्लासेस में इन सभी किताबों से, चाहे आप लेनिंजर हो, चाहे वो, जब मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं किसी और के बारे में कमेंट नहीं कर सकता। अब जैसे कि बायोकेमिस्ट्री पढ़ानी है तो मैं लेनिंजर से भी पढ़ा रहा हूँ, वॉइट एंड वाइट भी ले रहा हूँ। अगर सेल बायोलॉजी पढ़ानी है तो मैं एल्बर्ट्स को भी रेफर कर रहा हूँ, लोडिश को भी रेफर कर रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों को मैं पढ़ करके फिर आपको एक कंसाइज कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जो टाइम आपका इन किताबों को पढ़ने में जाता वो बच जा रहा है। आप 1.5 घंटे में, 2 घंटे में उन सभी किताबों के जो सेलियंट फीचर्स हैं उनके ऊपर फोकस करके आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। इसके अलावा अब आपको पीवाईक्यूज को सॉल्व करने के लिए उसको ढूंढना पड़ेगा। वैसे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको डीपीपीज प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन वो मैं देता जा रहा हूँ। तो आप एक स्ट्रीमलाइन तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, ये एक क्लास का फायदा होता है। अगर आप ये सारी की सारी चीजें अपने स्तर पे, अपने खुद के मेहनत से कर सकते हो तो बिल्कुल कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं कर सकते तो करने की जरूरत बिल्कुल है, ठीक। तो यहां से आई बिलीव कि ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व हुआ होगा कि सेल्फ स्टडी या कोचिंग क्लासेस, डिपेंडिंग अपॉन, आप अपने आप से पूछिए कि अगर आप ये सारी चीजें खुद से कर सकते हो, डू नॉट ज्वाइन कोचिंग। अगर नहीं कर सकते हो तो बिल्कुल यस, आपको कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत है। टू डिसाइड बाय योर सेल्फ, मैंने आपको दोनों के फीचर्स बता दिए, ठीक है। लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस। अब कोचिंग में भी बहुत सारी चीजें इस तरीके की हैं कि बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि सिर्फ रिकॉर्डिंग्स दे देंगे, आपकी जो जो फीस है वो कम पड़ जाएगी, रिकॉर्डिंग सिर्फ आप ले लीजिए, या फिर आप लाइव क्लास में पढ़ना चाहें तो आप लाइव क्लास में पढ़िए। दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों के अलग अलग फीचर्स हैं। जैसे मैं अगर अपने क्लास के बारे में आपसे बात करूं तो मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग्स नहीं देता, क्योंकि मेरे लिए, मेरे स्टूडेंट्स अगर लाइव क्लास में आ रहे हैं तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आप भी हमेशा प्रयास करिए कि लाइव क्लास ज्वाइन करिए। क्यों? क्योंकि लाइव क्लास में आप टीचर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। जब टीचर आपसे कुछ पूछ रहा है तो आप जवाब दे सकते हैं, आपको कुछ पूछना है तो आप टीचर से पूछ सकते हैं लाइव। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उससे 10 बार बोल सकते हैं कि हाँ मुझे दोबारा बता दो, मुझे दोबारा बता दो, मुझे दोबारा बता दो। रिकॉर्डिंग के केस में आप किससे पूछेंगे, एक परेशानी ये हो जाती है। दूसरी परेशानी ये हो जाती है कि अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को ये देखा है बहुत बार कि उनकी रिकॉर्डिंग जब उनके पास रहती है तो वो थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं, यानी कि अब आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एक बैकलॉग डेवलप हो रहा है और रिकॉर्डिंग जो है वो पेंडिंग होती चली जा रही है। पेंडिंग रिकॉर्डिंग कभी पूरी नहीं होती, याद रखिएगा। तो धीमे धीमे करके आपका इंटरेस्ट लूज होता चला जाएगा, रिकॉर्डिंग पेंडिंग होती चली जाएगी, और लास्ट तक जो आप पहुंचोगे दिसंबर जनवरी पे, तो आपका कोर्स बहुत कुछ पेंडिंग पड़ा होगा, रिकॉर्डिंग आपके पास सारी होगी। तब रिकॉर्डिंग रख करके क्या फायदा, अगर हमने पूरी ही नहीं पढ़ाई की तो। मैं बहुत ही रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ आपसे, ये सारी चीजें मैं अपने क्लासेस में देख चुका हूँ,
बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखता हूँ जो रेगुलर क्लास करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखता हूँ जो रिकॉर्डेड क्लास करते हैं। मेरे हिसाब से आपको लाइव क्लास आना ज़्यादा सबसे फायदेमंद रहना चाहिए। आप जो भी क्लासेस ज्वाइन करें, चाहे मेरी चाहे किसी और की भी क्लास ज्वाइन करने वाले हों, हमेशा प्रेफर करिए लाइव क्लास करने का। और लाइव क्लास ऐसा नहीं है सिर्फ खरीद लीजिए, लाइव क्लास में जाइए, रेगुलरली पढ़िए ऑनलाइन क्लासेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं सर हमें ऑफलाइन ज्वाइन कर लेना चाहिए, आप ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर दीजिए, मुझे ऑफलाइन पढ़ा दीजिए। इस लेवल पे आकर के, यानी कि आप अगर गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, दैट मीन्स यू हैव ऑलरेडी, यू आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन। आप ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के वर्ज के ऊपर हो। इस समय तक आपके अंदर सिंसियरिटी आ जाती है, मैच्योरेशन आ जाता है। अगर अब भी आपको कोई सामने खड़ा होकर के बता रहा हो, जरूरत है आपको कि मेरे सामने कोई खड़ा हो तब मुझ पर ध्यान दे और तब मैं पढ़ाई करूंगा, तो फिर बेकार बात है। ऑफलाइन क्लासेस में आपको बहुत दूर दूर जाना पड़ेगा, आपका समय बर्बाद होगा। इस समय हम समय बर्बाद करना प्रेफर नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें तब ठीक रहती हैं जब जेईई नीट वगैरह की प्रिपरेशन आप कर रहे होते हो, छोटे क्लासेस में होते हो, तब आप जा करके पढ़ाई कर सकते हो, वो बात ठीक है। लेकिन इस लेवल पे आके इतनी मेच्योरिटी आ जाती है और आपके पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो आप जाना आना हर रोज इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, आप बिल्कुल आप आज़ाद हैं, स्वच्छंद हैं, अब तो आज तो आज़ादी का भी दिन है, आप बिल्कुल आज़ाद हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँ तो ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट, तो लाइव क्लासेस मेरे हिसाब से ठीक, मैं यहाँ पे लिखता चलता हूँ ताकि आपकी सारी की सारी जो क्वेरीज हैं वो सॉर्ट आउट होती जाए। लाइव ठीक, अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड बुक्स या नोट्स, देखिए आपने जो भी, अगर आपने कोई क्लासेस ज्वाइन की हुई है तो आपको वहां से नोट्स मिल रहे होंगे। जैसे कि मैं अपनी क्लासेस के बारे में बात करूं तो मैं स्टूडेंट्स को हर रोज पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर देता हूं कि भाई ये 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 पढ़ते चले जाइए। ठीक, अगर मेरे रहते हुए भी स्टूडेंट स्टैंडर्ड बुक रेफर कर रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है मेरे रहने का। तो अगर आप किसी क्लास में हो, कोई क्लास ज्वाइन कर रखी है, तो वहां के नोट्स के ऊपर भरोसा करिए, उस नोट्स को पढ़ लीजिए। कभी कभार की बात और है कि आपको थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, उतनी क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो आपने स्टैंडर्ड बुक उठा करके देख ली। लेकिन अगर आप किसी क्लासेस से जुड़े हुए नहीं हैं, अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप स्टैंडर्ड बुक्स रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा पाथफाइंडर की बुक्स आती हैं, आप उसको रेफर कर सकते हैं। पाथफाइंडर की बुक कंसाइज है, उसमें सारी चीजें एक साथ दी हुई है और उतना दिया हुआ है जितना आप पढ़ करके कोई एग्जाम निकाल सकते हैं। और ये ज़रूरी भी है, पढ़ करके हमें एग्ज़ाम ही निकालना है, हमें पीएचडी यहाँ पे नहीं करनी। बहुत सारी बच्चों के साथ दिक्कत ये होती है कि वो पीएचडी करने लग जाते हैं, वो इतना डेप्थ में किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में चले जाएंगे, जैसे कि सेल सिग्नलिंग पढ़ रहे हैं, जीपीसीआर पढ़ रहे हैं, अब जीपीसीआर में वो इतना डीप में चले जाएंगे जितना शायद सीएसआईआर में भी नहीं पूछता होगा, इतना गेट के लिए पढ़ लेंगे। पर्पस क्या है भाई, आपने जीपीसीआर इतना अच्छे से तैयार कर लिया कि आप एक रिसर्च पेपर लिख सकते हो, बट आपका मोटिव क्या रिसर्च पेपर लिखना था? नहीं, आपका तैयारी क्या था? आप चाहते थे कि मैं गेट का एग्जाम पास कर जाऊं, वो तो हुआ नहीं, क्योंकि सिर्फ जीपीसीआर तो वहां पे आएगा नहीं। इसीलिए किस टॉपिक को कितने डेप्थ में पढ़ना है, कितना समय उसमें देना है, वो पाथफाइंडर में पर्याप्त है, वो आप पढ़ सकते हो। ठीक, अब अगर आप चाहते हो कि नहीं हम स्टैंडर्ड बुक्स ही की तैयारी करें, तो स्टैंडर्ड बुक्स लेकर के ही पढ़ें। स्टैंडर्ड बुक्स में चीजें बहुत डीप में है, अब उसमें से आपको छांटना पड़ेगा क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो उस चीज़ के लिए आपके पास आपको प्रिपरेशन थोड़ा सा पहले से स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक, अगर आप थर्ड ईयर में हैं और आप स्टैंडर्ड बुक लेकर के पढ़ना चाहते हो तो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल अच्छी टेक्निक है। लेकिन थर्ड ईयर में, अब फाइनल ईयर में जा करके या जब 6 महीने बाकी रह गए हैं, तब ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप चाहें तो कर सकते हैं अगेन। तो स्टैंडर्ड बुक्स और नोट्स, मेरे हिसाब से अगर आपने क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं तो बिल्कुल नोट्स को प्रेफर करिए, क्योंकि नोट्स, मैं अपने बारे में अगेन बता सकता हूँ कि नोट्स मेरे जो हैं वो लेनिंजर, वॉइट एंड वॉइट, एल्बर्ट्स वगैरह सबसे बने हुए हैं। तो उसको, अब कोई बच्चा मेरे नोट्स पढ़ रहा है उसके बाद वही स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहा है, तो उसका टाइम ही बर्बाद हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी बहुत समझदारी की बात है। ठीक, तो ये स्टैंडर्ड बुक्स, अगर आप किसी भी उससे नहीं जुड़े हुए हैं, तो अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रायर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप स्टैंडर्ड बुक्स को ले लीजिए। अगर आपने अभी भी प्रिपरेशन शुरू की है तो आप पाथफाइंडर के लिए एक अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। पाथफाइंडर में कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा सप्लीमेंट करनी पड़ेंगी बाहर से, ठीक, वो मैं भी बता दूंगा। अब जैसे कि कौन कौन सी, फिर अब सवाल उठता है कि कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, किन किन बुक्स को हम पढ़ सकते हैं।
अब जैसे कि मैंने बताया कि लेनिंजर में लेनिंजर है, वॉइट एंड वॉइट है आपकी बायोकेमिस्ट्री के लिए, सेल बायोलॉजी के लिए लोटिश है, एल्बर्ट्स है। इसके अलावा मैंने बुक्स के ऊपर पूरा एक वीडियो बना रखा है, यहाँ पे मैं इसका लिंक दे दूंगा लास्ट में, आप इसको वहां से जाकर के सारी की सारी बुक्स जो भी गेट बायोटेक्नोलॉजी के लिए एसेंशियल हो सकती हैं वो सारी की सारी बुक्स मैंने वहां पे मेंशन कर रखी है, तो वो आप चाहे तो वहां से ले सकते हो। पाथफाइंडर के बारे में मेंशन कर रखा है। यहाँ पे एक स्पेशल मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ, गेट बायोटेक्नोलॉजी में बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 जो है वो पूरा का पूरा आपका बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड है। और तय मान लीजिए कि हर साल यहाँ से 26, 27, 28 नंबर के क्वेश्चन तो हर साल आ रहे हैं, मतलब 27 मार्क्स तो कहीं गया नहीं है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, 27, 28 मार्क्स। ठीक, अब जब मैं इसको पढ़ने की शुरुआत की तो डोरान जो है, जो स्टैंडर्ड बुक है, जो डोरान है या शुलर एंड कार्गी है, इसमें जब आप इसको पढ़ने चलोगे ना तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं और आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म हो रहा है और हमारे गेट के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को समझते हुए मैंने एक बुक खुद से लिखी हुई है, मेरी खुद की लिखी हुई बुक है, मेरे खुद के नोट्स हैं, उसको मैंने बुक के फॉर्म में पब्लिश कर रखा है। तो मेरे खुद की राइटिंग में मेरे खुद के नोट्स, मेरे खुद की पूरी मेहनत के नोट्स, वो सारे के सारे एक बुक के फॉर्म में अवेलेबल है। इस समय अमेजोन से आप खरीद सकते हो। उसमें आपकी यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 को कंप्लीट टारगेट किया हुआ है, वहां पे मैंने नोट्स भी लिखे हुए हैं, सारी चीजें लिखी भी हुई हैं और साथ ही साथ में मैंने वहां पे आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करके दिखाए हुए हैं, किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, वो सब बताया हुआ है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको हाईलाइट करके रखा हुआ है। और तो और सबसे बड़ी बात, आपको पता है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में कितने सारे फॉर्मूलेज हैं, अब उन सारे के सारे फॉर्मूलेज को हम किस तरीके से बाय हार्ट कर सकते हैं वो भी बताया हुआ है, और सारे के सारे फॉर्मूलेज लास्ट में एक साथ क्लब करके दे दिए हैं ताकि आप रिवीजन के समय जब क्लास मतलब जब आप रिवाइज कर रहे हो फाइनल में, तो आप उसको पलट करके एक बार उसको गो थ्रू हो जाओ तो आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो भाई बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 सबसे हाईएस्ट यील्डिंग टॉपिक्स हैं और तय मान लीजिए वहां से क्वेश्चन अब की बार भी बहुत ज्यादा आने वाला है। तो अब चाहें तो वो जो पाथफाइंडर की बुक तो आप ले सकते हैं, और चाहें तो जो बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग की जो मैं बुक बता रहा हूं आपको, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग की, वो आप परचेज कर सकते हैं, वो अमेजोन पे अवेलेबल है। उसका भी लिंक मैं यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से परचेज कर सकते हैं अमेजोन से। ठीक, तो ये हो गया बुक के बारे में। बुक्स ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वहां से देख लीजिए, पाथफाइंडर की ले लीजिए, आप चाहें तो स्टैंडर्ड बुक्स डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन वहां से ले सकते हैं। बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग की बुक आप हमारी जो समाधान लाइफ साइंसेज की है, जो हमारी कंपनी है, वहां से परचेज कर सकते हैं अमेजोन से डायरेक्टली, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। ऑलरेडी 500 से ज़्यादा कॉपियाँ बिक चुकी हैं तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होगी आपके लिए, ऐसा मेरा मानना है। अब मिनिमम मटीरियल हाइएस्ट यील्ड यूज़ करना है, याद रखिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं। क्या गलती कर रहे हैं? वो एक ही टॉपिक 20 किताब से पढ़ रहे होंगे। इतने की जरूरत नहीं है, ये CSIR नेट का एग्जाम नहीं है, ये गेट का एग्जाम है। गेट बायोटेक्नोलॉजी के एग्जाम में आप एक बुक यूज करिए और उसको ठीक से पढ़ लीजिए बस। ठीक, अब एक ही टॉपिक को आप 10 जगह से अगर पढ़ोगे तो उसमें बहुत समय जाया होगा, और आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि मुझे मिनिमम मटेरियल पढ़ने को पढ़ना पढ़ना हो और मुझसे मुझे उसमें से मैक्सिमम यील्ड मिल जाए, मैक्सिमम मार्क्स मैं उससे खींच सकूं मिनिमम पढ़ने के बाद। मिनिमम पढ़ना मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप टॉपिक छोड़ दो, टॉपिक मत छोड़ो, लेकिन जिस टॉपिक पे जितनी डेप्थ रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना टाइम दो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक को पढ़ते चले जा रहे हैं और समय बर्बाद कर रहे हैं। तो टॉपिक्स ढूंढिए, और अभी मैं आगे भी ये भी बताऊंगा कि किन किन टॉपिक्स के ऊपर कितने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करिएगा। ठीक, चलिए, तो मिनिमम मटेरियल और हाईएस्ट यील्ड का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में लेकर के चलिएगा। ठीक, तो अब बात करते हैं स्टडी टाइम का, कितना समय देना चाहिए पढ़ने के लिए। अगेन, ये टाइम जो है ये आपके ऊपर है, जैसे कि आप अगर ड्रॉप आउट है, यानी ड्रॉप आउट मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, यानी कि फाइनल ईयर कंप्लीट कर लिया है, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप जितना भी टाइम मैक्सिमम 10, 12, 13, 14 घंटे देना चाहते हो दे सकते हो। लेकिन अगर आप कॉलेज गोइंग है, कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं,
तब भी मिनिमम आपको 5-6 घंटे आपको रेगुलर देने। अब देखिए कोई भी कॉलेज जो है वो 8-9 बजे से शुरू होता है और 4-5 बजे तक खत्म हो जाता है। उसके बाद भी हमारे पास ठीक ठाक टाइम बचता है कि हम अपनी पढ़ाई के लिए या गेट की पढ़ाई के लिए मौका दे दें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये एक्सक्यूज देते हैं कि सर एग्जामिनेशन हो रहा है या कॉलेज जाना ज़रूरी है। वो सब बातें ठीक है, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि गेट का एग्ज़ाम फिर अगले साल ही आएगा और कॉलेज में हम इतना तो पढ़ ही लेते हैं कि हम एग्जामिनेशन जो कॉलेज का होता है वो अच्छे से दे सकें। इतना तो हम अच्छे से तैयारी कर ही सकते हैं, कर ही लेते हैं। तो हमारी प्रायोरिटी इस समय क्या होनी चाहिए, उसमें होनी चाहिए जो हमें अब आगे करने वाले हैं। ठीक, तो ये आपका मेन मोटिव होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ स्टडी टाइम की, तो अगर यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूँ स्टडी टाइम, तो अगर मैं मिनिमम 6 आवर्स जो है वो खुद पढ़ना चाहूँगा। ठीक, अब जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट्स को अगर मैं बताऊं तो 6 घंटे में वो 1.5 से 1.5 घंटा ऑलमोस्ट मेरे साथ पढ़ रहे हैं। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बोल रहा हूं कि 30 मिनट या आधा एक घंटा उन्होंने मान लीजिए डीपीपी सॉल्व कर ली, तो ये क्या हो गया, 2.5 घंटे का समय हो गया। ठीक, अब इसके बाद जो बचा हुआ समय है इसमें उनको रिवीजन करना है, इसमें उनको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, इसमें इनको नोट्स बनाने हैं, जो कुछ भी पढ़ा है वो सब उसको कंपाइल करना है, नोट्स बनाने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, डीपीपीस करनी है और रिकॉर्डिंग एक बार पूरी देखनी है। तो लाइव तो करना ही करना है मेरे साथ, उसके बाद रिकॉर्डिंग भी देखनी है ताकि बाय हार्ट हो जाए, जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है वो बाय हार्ट हो जाए। मैं कम से कम अपने क्लासेस में 5 घंटे पढ़ाना पसंद नहीं करता, फायदा नहीं है कोई। ह्यूमन माइंड की एक कैपेसिटी है, उतना पढ़ सकते हैं आप। अगर आप 5 घंटे किसी को पढ़ा रहे हैं तो कितना सीखेगा आदमी, वो नहीं सीख पाएगा। प्लस उसको उसको भी तो अप्लाई करने को मौका दीजिए, वो कब अप्लाई करेगा, वो कब पढ़ेगा उस चीज़ को और वो कब उसको अपने दिमाग में बैठाएगा। तो मेरी क्लासेस जो होती हैं वो 1.5 आवर्स चलती हैं और बहुत बाद में मैं DPPs दे देता हूँ, उसके बाद वो स्टूडेंट्स को सॉल्व करते हैं। तो ये मेरा ट्रेंड है, अभी तक ईश्वर की दया से सही चलता आ रहा है और स्टूडेंट्स 50% से ऊपर मेरे सेलेक्ट हो जाते हैं और IITs या ICT वगैरह जाते रहते हैं। ठीक, तो ये हो गया स्टडी टाइम के बारे में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन आ जाते हैं नेक्स्ट, बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर। सबसे बढ़िया टाइम प्रिपरेशन का गेट बायोटेक्नोलॉजी के लिए मेरे हिसाब से 3rd ईयर होता है। मैं कई और वीडियोस में बता भी चुका हूँ कि 3rd ईयर इज द बेस्ट टाइम। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप 4th ईयर में हैं या फाइनल ईयर में हैं तो आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। मेरी वजह ये है 3rd ईयर में कहने की, क्योंकि 3rd ईयर में स्टूडेंट्स के पास उतना ज़्यादा लोड नहीं होता। फाइनल ईयर में बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लेसमेंट के लिए बैठने लगते हैं, कंपनीज आने लगती हैं। अब कंपनी आ रही हैं तो बट नेचुरली वो चाहेंगे कि हमारी जॉब भी एक हाथ में मिल जाए, तो वो डाइवर्ट होने लगते हैं, डेविएट होने लगते हैं। अब हम भी नहीं कह सकते कुछ भी कि भाई आप, मैं तो ये नहीं कह सकता कि आप जॉब में मत जाओ, जॉब के लिए मत तैयारी करो। तो प्लेसमेंट है, फिर प्रोजेक्ट है, फिर असाइनमेंट्स हैं या पेपर्स लिखने को टीचर दे देते हैं, या रिसर्च वगैरह का काम भी रहता है, प्रोजेक्ट का काम रहता है। इस सब में बहुत बिजी हो जाता है आदमी 4th ईयर में जाकर। आपका प्रयास ये होना चाहिए कि हम किसी तरीके से 3rd ईयर में ही क्रैक कर लें, अच्छी ठीक ठाक रैंक से क्रैक कर लें। और जब हम फाइनल ईयर में दोबारा देने जाएं, ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं देंगे, फाइनल ईयर में जब देने जाएंगे तो हम अपनी रैंक को इम्प्रूव करेंगे। जो भी मेरी रैंक आई थी मैं उसमें और काम करूंगा, उसको बेहतर करूंगा, उसको इम्प्रूव करने जाऊंगा। ये मेरा मोटिव होना चाहिए तैयारी का। ये हो गया, ठीक, अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर ये हो गया। ठीक है, अब जो लोग 4th ईयर में हैं वो ये ना सोचें कि भाई हम नहीं कर सकते। अब 4th ईयर वाले जान लगा दें कि अब जो हमारे पास टाइम है, ये जो 6 महीने का जो समय है, उसमें हमें पूरी जान से मेहनत करनी है, पूरी मेहनत कर देनी है ताकि हम बहुत अच्छा कर सकें। क्योंकि अब इसके बाद जब गेट आएगा तो आप अपना एग्जामिनेशन पास कर चुके होंगे, फाइनल ईयर क्रॉस कर चुके होंगे। तो अगर आपका अच्छा रैंक नहीं आया तो फिर या तो आपको ड्रॉप करना पड़ेगा या फिर आप किसी चीज़ में जॉब वॉब लेने के साथ साथ में पढ़ाई करोगे, तो वो डिफिकल्ट काम है। इसीलिए प्रयास करिए कि बीटेक करते करते आप निकल जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूछते हैं कि सर हम तो BSc में हैं, गेट हमारे लिए क्या फ़ायदा होगा या हमें गेट से क्या फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है, देखिए गेट का सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत 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 मायने रखता है। ठीक, गेट का सर्टिफिकेट आपके लिए इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि कई बार गेट के स्कोर कार्ड से ही लोग PhD में एडमिशन मिल जाता है, जैसे हमारी एक स्टूडेंट है। ठीक, तो गेट के बेसिस पे ही उनको PhD में डायरेक्टली एडमिशन मिल गया। इसी तरीके से
गेट बहुत सारे और बाहर की यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए भी रास्ते आपके खोल देता है। इसके अलावा गेट का स्कोर कार्ड जो है वो 3 साल वैलिड है, यानी कि जब आपने एमएससी खत्म किया, आप बीएससी में हो फाइनल ईयर में, आपने एमएससी खत्म किया, तब भी आपका गेट का स्कोर कार्ड, अगर आपने गेट अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर रखा है, तब भी आपका गेट का स्कोर कार्ड वैलिड है। और इस एमएससी के बल पे, एमएससी आपने क्वालिफाई किया उसके बाद जब आपका गेट का स्कोर कार्ड अगर अच्छा स्कोर आया हुआ है, इसी के बल पे आप पीएचडी ले सकते हो, ठीक है। तो ये फायदा है गेट के एग्जाम का। तो बीएससी के भी आप हो तब भी गेट का एग्जामिनेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये फायदा है, ठीक। तो ये बात होगी। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करूं, कैन बी प्रिपेयर अलॉन्ग विद द कॉलेज क्लासेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स का, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन तो मुझे यही मिला हुआ, इसका आंसर है यस, बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हो। मेरे ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉलेज गोइंग ही थे, यानी कि फाइनल ईयर में थे या थर्ड ईयर में थे। थर्ड ईयर के भी कई सारे स्टूडेंट्स ने गेट बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम निकाला, फाइनल ईयर के कई सारे स्टूडेंट्स ने गेट बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम निकाला। बात ये नहीं है कि आपके पास समय नहीं मिल पा रहा है, समय निकालना पड़ेगा बेटा, समय कभी नहीं निकलता। आपकी अपनी प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना समय निकाल सकते हो, ठीक। अब कोई भी कॉलेज जो है रात के 10 बजे तक नहीं चलता, आप 5 बजे तक, 6 बजे तक, 7 बजे तक फ्री हो जाओगे, उसमें बात का तो टाइम आपके पास है। अब इस टाइम को आप कैसे मैनेज करते हो, सोने का, उठने का टाइम आप कैसे मैनेज कर सकते हो, वो आपकी प्रायोरिटी के ऊपर है। जो आपकी प्रायोरिटी होगी उसके लिए आप टाइम निकाल लोगे। अब मोबाइल किसी की प्रायोरिटी है तो मोबाइल के लिए टाइम निकाल लेता है, ठीक। मूवी किसी की प्रायोरिटी है तो मूवी के लिए टाइम निकाल लेता है। उसी तरीके से जब आपकी पढ़ाई प्रायोरिटी होगी तो आप पढ़ाई के लिए टाइम निकाल लोगे, ठीक। तो बिना कुछ ये लाग लपेट के कि नहीं है क्या, आप तो टाइम कॉलेज के साथ कैसे प्रिपेयर कर सकते, ये सारे की सारी एक्सक्यूजेज हैं, ठीक है। और एक्सक्यूजेस अगर जो दे रहा है फिर उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। बिना एक्सक्यूजेस के एक फोकस लेकर के काम करिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ये हो गया, कैन बी प्रिपेयर अलॉन्ग विद कॉलेज क्लासेस, यस ऑफ कोर्स आई हैव द प्रूफ। मेरे स्टूडेंट्स कॉलेज गोइंग थे और आज आईआईटी खड़गपुर में, आईआईटी गुवाहाटी में, आईआईटी गांधीनगर में मौजूद है, ठीक। विच सब्जेक्ट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी इसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ विच सब्जेक्ट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैन आई गो फॉर सेलेक्टिव स्टडी, इसका आंसर है नहीं, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। गेट का एग्जाम कोई सीएसआईआर नेट का एग्जाम नहीं है कि वहां पे 13 यूनिट आने वाले हैं, नहीं। वहां पे मेन सिलेबस गेट सिलेबस सीएसआईआर जितना वाइड नहीं है और उतना डीप में पूछा भी नहीं जाता, और क्वेश्चन की संख्या भी उतनी ज्यादा नहीं है। कुल मिलाकर के क्वेश्चन जो आते हैं वो 65 आने हैं। अब इन 65 क्वेश्चंस में आप क्या छोड़ोगे, क्या करोगे? अगर सिलेक्टिव स्टडी करोगे तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर हम इसमें छोड़ने जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। सीएसआईआर में हमें छोड़ने का ऑप्शन मिलता है, इसलिए हम छोड़ सकते हैं। यहां पे हमें छोड़ने का ऑप्शन नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि डू एनी इतना या इतने ही क्वेश्चन करिए, नहीं, यहाँ सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो सेलेक्टिव स्टडी गेट के एग्जामिनेशन के लिए उतना अच्छा अप्रोच नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आप अपनी इच्छा के हिसाब से काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्टिव रिविजन इज द की। आप जिस भी स्टूडेंट से बात कर लो, आप हमारे चैनल पे जो सक्सेस स्टोरीज पढ़ी हुई है उसको देख लीजिए, जितने भी स्टूडेंट सक्सेसफुल हैं उन सभी के सभी स्टूडेंट्स ने एक बात आपको जरूर बताई होगी, रिवीजन। रिवीजन जो है वो ही की है, वही ताले की चाबी है, वही आपका सिलेक्शन कराएगा। कैसे सर रिवीजन, अच्छे से अच्छा रिवीजन कैसे करना चाहिए, किस तरीके से रिवीजन हम कर सकते हैं? अब जैसे कि अगर मैं, आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं एक वही बता सकता हूं। जैसे कि मैंने आपको नोट्स दिए, मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको नोट्स दिए, अब ये आप अपने हिसाब से भी, अपने ऊपर भी लगा सकते हो, जैसे कि आप जिस तरीके से पढ़ते हो। अब इन नोट्स को मान लीजिए मैंने आपको 25 पेजेस एक दिन में पढ़ा दिए, अब आपने इन नोट्स को 2 पेजेस में कंसाइज करके अपने हिसाब से लिख लिया, भाई आप अपने हिसाब से इसको छोटा करके लिख सकते हो, 2 पेजेस में आपने कंप्लीट कर लिया, ये एक दिन का नोट हो गया, डे वन का नोट हो गया। इसी तरीके से मैं अगले दिन आया, फिर भी मैंने पढ़ाया उतने दिन, फिर मैं अगले दिन आया, फिर मैंने पढ़ाया, फिर मैं अगले दिन आया, फिर मैंने पढ़ाया। इसी तरीके से आप अपने ऊपर लागू कर लीजिए, आपने 25 पेजेस पढ़े एक दिन में, अब उसके नोट्स आपने कर लिए, फिर अगले दिन वही काम किया, फिर अगले दिन वही काम किया। अब जब आप दूसरे दिन पढ़ने जा रहे हो तो ये मैंडेटरी रख लीजिए कि आप डे वन के नोट्स को रिवाइज करिए। मतलब अगर आप डे टू में पढ़ने जा रहे हो तो डे वन के नोट्स आपके दिमाग में होने चाहिए, तब आप डे टू में जाइए।
फिर इसी तरीके से जब आप डे थ्री में जा रहे हो, जब आप डे थ्री में जा रहे हो तो डे वन प्लस टू के नोट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। जब आप फोर में जा रहे हो तो वन प्लस टू प्लस थ्री के नोट्स आपके रिवाइज होने चाहिए। अब आपको बहुत समय से, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें तो सर बहुत टाइम जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप तीसरे या दसवें दिन जा रहे होगे तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन वाले नोट्स आप इतनी बार पढ़ चुके होंगे कि आप बस उसको यूं पलटोगे, ऐसे 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 दिमाग में छपता चला जाएगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं ना फोटोग्राफिक मेमोरी टाइप की हो जाती है, वो दिखेगा आपको। आप आंख बंद करोगे आपको दिखेगा कि ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, इस लेवल की तैयारी हो जाए। अब जैसे कि जो भी, जिस भी दिन आपकी क्लासेस नहीं है या जिस भी दिन आपका कोचिंग नहीं है, आपका कॉलेज नहीं है, संडे को बैठे और संडे को पूरा पूरा एक बार फिर से दोबारा एक बार देख लिया। ठीक, अब रिवीजन करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने पढ़ाई कर ली, पढ़ लिया बैठ, इससे रिलेटेड जो भी PYQs हैं वो एक बार देख लिए। PYQs से क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट रिफ्रेश हो जाएगा। जो कुछ भी आया हुआ था आपने, जो कुछ भी लिखा था आपने, आपने उसको चेक किया कि यार इन चीज़ों से क्या मैं से क्वेश्चन बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा। क्वेश्चन ही नहीं बन पा रहा है, लिख करके मैं पांच पन्ने बैठा हुआ, कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन बनना चाहिए, अल्टीमेटली मुझे गेट के एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मेरी नॉलेज कोई नहीं चेक करने वाला वहाँ पे। ये नहीं कोई देखने वाला कि मुझे कितना ज़्यादा वाइड आइडिया है, नहीं, ये देखने वाला है कि आपसे वो 65 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन बन भी रहे हैं नहीं बन पा रहे। ठीक, तो ये बात है, तो ये आपको इस चीज़ का ध्यान रखिए। इस तरीके से रिविजन करिए, अप्लाई करिए क्वेश्चंस के ऊपर, PYQs के ऊपर, MCQs के ऊपर, उस तरीके से अप्लाई करिए। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग। टेस्ट सीरीज का पर्पस क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए। टेस्ट सीरीज का पर्पस ये होता है कि आपकी स्पीड बढ़ जाए, स्पीड जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाए। लेकिन देखिए, मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि गेट के एग्जामिनेशन में स्पीड बहुत ज्यादा आड़े आती हो किसी स्टूडेंट के, ऐसा मैंने नहीं देखा। CSIR वगैरह के एग्जाम में आड़े आती है क्योंकि वहाँ क्वेश्चंस बहुत लंबे लंबे होते हैं, एक एक पन्ने का क्वेश्चन है, उसमें स्टूडेंट्स को पढ़ने में टाइम लग जाता है, प्लस वहाँ ऑप्शन इतना ज़्यादा है कि पढ़ने में टाइम लग जाता है। कि यहाँ पे 65 क्वेश्चन पढ़ने हैं, टाइम 3 घंटा दिया हुआ है। न्यूमेरिकल वगैरह में टाइम ऑफकोर्स लग सकता है, लेकिन फिर भी मैनेजेबल है। लेकिन अच्छी बात है कि आपकी स्पीड बढ़ जाए, क्योंकि कई बार जो है वो GA वगैरह के क्वेश्चन आप लास्ट में करने की कोशिश करते हो जिसमें समय ज़्यादा लग सकता है। तो अच्छी बात है कि आप स्पीड बढ़ाओ। कई सारी जो क्लासेस अगर आपने कोचिंग ज्वाइन की होगी, जैसे कि मैं अपनी कोचिंग के बारे में बात करूं, अपनी क्लासेस के बारे में बात करूं, तो मैं टेस्ट सीरीज स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। जैसे जैसे क्लासेस खत्म होगी, जैसे जैसे एक चैप्टर खत्म होगा, वैसे वैसे स्टूडेंट्स को टेस्ट मिल जाएगा। ऐसे ही आपके यहाँ भी होगा, आपकी क्लासेस में भी होगा। अगर नहीं है तो फिर आप मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिएगा। ठीक है, तो शुड यू ज्वाइन टेस्ट सीरीज? यस, सिर्फ स्पीड ही नहीं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी इसमें समझ में आते हैं। आपको पता चलेगा कि कितने तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे आपको, प्लस आपको ये समझ में आएगा कि आप अपने कंपटीटर्स के साथ कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, वो एक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने क्लासेस ज्वाइन की हुई है तो वहीं की टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा, अगर नहीं की हुई है तो सेपरेट टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इसका टाइम सबसे अच्छा कब है, टेस्ट सीरीज कब सबसे अच्छा टाइम कब है? मेरे हिसाब से इसका टेस्ट सीरीज देने का टाइम सबसे अच्छा है जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो या तो दिसंबर में या जैन में आप ले सकते हो टेस्ट सीरीज, और फिर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो अभी से। अब अगर मान लीजिए आप पढ़ रहे हो कुछ और चीज़ और टेस्ट क्लासेस में कुछ और हो रहा है या किसी और चीज़ का टेस्ट हो गया, तो फिर परेशानी है, फिर आपको अपना छोड़ करके उस चीज़ का टेस्ट के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। इसीलिए बेहतर यह है कि जहाँ पर आप क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो वहीं की टेस्ट सीरीज लो, तो वो उसी हिसाब से टेस्ट प्रिपेयर करेंगे जिस हिसाब से कोर्स कंप्लीट हो रहा है। अदरवाइज फिर आपको दिक्कत होगी मैनेज करने में। आप पढ़ रहे हो बायोकेमिस्ट्री, वहाँ टेस्ट होने वाला है सेल बायोलॉजी का, तो फिर सब बेकार हो गया, ये हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज़ भी समझ में आई होगी। नेक्स्ट, रोल ऑफ GA इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अब देखिए, GA और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अगर GA और इंग्लिश जो है वो 15 नंबर का आता है। इसमें से अगर आप थोड़ा बहुत देख लेंगे तो आप आसानी से 8, 9, 7, 8 नंबर तक, आसानी से 9 नंबर तक, 10 नंबर तक बिल्कुल खींच सकते हो आराम से। तो इसको थोड़ा बहुत ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा मैथ्स है और आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स जो है वो ज़रूर आते हैं, जैसे कि लाप्लास वाला क्वेश्चन जो आता है, मैट्रिक्स वाला जो क्वेश्चन आता है वहाँ से, फिर स्टैटिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तो आप, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि इसका यूज़ नहीं है, यूज़ है, लेकिन आपका मेन एम होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी।
बायोटेक्नोलॉजी आपका मेन एम होना चाहिए, साइड साइड में आप इन चीज़ों की तैयारी करते रहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका जीए और इंग्लिश आपका स्कोर और बूस्ट करने में हेल्प करेगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपका स्कोर और बूस्ट करने में हेल्प करेगा, मेन एम आपका बायोटेक होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसा भी देखा है कि वो पूरे टाइम जीए ही पढ़ रहे हैं या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को ही सॉल्व कर रहे हैं, उससे कुछ होगा नहीं ना अल्टीमेटली। अल्टीमेटली आपको पास या फेल कौन करवाने वाला है? बायोटेक करवाने वाला है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देना है कि हमारा मेन एम जो है वो बायोटेक होना चाहिए, साथ साथ में हम जीए इंग्लिश और मैथ्स को प्रिपेयर करते रहें, वो बेहतर अप्रोच है। अब अगर मैं बात करूं कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, किन चीज़ों पे विशेष ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स कितने कितने क्वेश्चंस के होते हैं, ये सारी बातें अब जरा कर लेते हैं। अब बात करता हूँ एनालिसिस ऑफ PYQs की। मैंने पुराने क्वेश्चन पेपर को देखा है और उससे मुझे ये लगता है कि हर साल बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग प्रोसेस BT यानी यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर जो 4 है और यूनिट नंबर जो 4-5 है, वहाँ से 12 तो अब तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं, 14-14 क्वेश्चन के आसपास आता है। इतने क्वेश्चन हर साल यूनिट 4 यूनिट 5 से आ रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 27 से 28 मार्क्स तक का आता है। जिस बार पेपर IIT बॉम्बे ने बनाया है, जरा पलट करके देखिए, पूरे पूरे आपको लगेगा ही नहीं कुछ और भी पूछा हुआ है, सब सिर्फ का सिर्फ और बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग ही आया हुआ है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मेरी बुक जो है कॉम्प्रिहेंसिव हैंड रिटन नोट्स, नोट्स ऑन बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो कॉम्प्रिहेंसिव हैंड रिटन नोट्स ऑन बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये करके मैं इसको इधर कर देता, कॉम्प्रिहेंसिव हैंड रिटन नोट्स ऑन बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन करके हमारी बुक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अमेजोन पे सर्च कर लीजिएगा। ये आपका यूनिट नंबर 4 यूनिट नंबर 5 का प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। सबसे ज़्यादा मार्क्स का बेटा यही क्वेश्चन आता है, ठीक है, यही पोर्शन आता है। चलिए नेक्स्ट चीज़ के ऊपर बढ़ चलें। इसके बाद आता है बायोकेमिस्ट्री, 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। मॉल बायो एंड जेनेटिक्स 4 से 7 क्वेश्चन आता है। RDT 3 से 4 क्वेश्चन आता है, ये कभी कभी बढ़ करके 5 से 6 भी हो जाता है। सेल बायोलॉजी 2 से 4, एनालिटिकल टेक्निक 2 से 4 क्वेश्चन आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी 2 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्यूनोलॉजी 2 से 3, बायो इन्फॉर्मेटिक्स 1 से 2, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी 1 से 2, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी 1 से 2 क्वेश्चन तक सीमित रहता है। अब आपकी तैयारी भी कुछ इसी तरीके से होनी चाहिए, जिस सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा पोर्शन है उस सब्जेक्ट को आप सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए, लॉजिक भी यही कहता है, और जिस सब्जेक्ट में कम टाइम देना है, जिस सब्जेक्ट में कम क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ से कम टाइम दीजिए, लॉजिक यही कहता है। इसी तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए, दिस इज द वे टू गो अबाउट इट, ठीक। अब आपको प्रिपेयर किसको पहले करना है और किसको बाद में करना है वो आप अपने स्तर पे देख सकते हो। तो जैसे कि मैं जब अपने क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो बायोकेमिस्ट्री सबसे पहले पढ़ाता हूँ, फिर सेल बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, फिर आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, फिर जेनेटिक्स पढ़ाता हूँ, फिर इम्यूनोलॉजी पढ़ाता हूँ, फिर ये RDT वगैरह पढ़ाता हूँ। मेरा एम होता है कि लास्ट में मैं बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग पढ़ाऊँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि मेरा बाकी सिलेबस खत्म हो गया है, मेरे पास लास्ट में इतना समय है, मैं बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग को इतने आराम से प्यार से पढ़ा सकता हूँ। मेरे दिमाग में एक चीज़ पिक्चर क्लियर होती है। आप अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हो, किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, वो आप देखो, ठीक है। अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो, मैं वहाँ पर बता दूंगा आपको, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ कि इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या हैं, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, अपने बैच के स्टूडेंट्स को और बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स को जो मुझसे बाहर किसी और क्लासेस ज्वाइन किए होते हैं और कनेक्ट होते हैं, आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, लंबा समय है 6 महीने का, 6 महीने की तैयारी का समय काफ़ी लंबा है, इसमें डीमोटिवेशन होना आम बात है, क्योंकि आप एक ह्यूमन बींग हैं, ह्यूमन बींग में इमोशंस कंटिन्यूसली आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अब 6 महीने में आपको कई बार ऐसा लगेगा कि मेरा नहीं हो पाएगा, मेरी तैयारी उस लेवल की नहीं है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इस चीज़ को अपने दिमाग में नहीं आने देना है। जैसे ही आप डीमोटिवेट हो, तुरंत वो समय याद कर लीजिए कि जिस समय आपने अपनी पढ़ाई की तैयारी शुरू की थी, जब आपने अपने सब लोगों को बताया था अपने आसपास कि आप गेट की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, उस समय को तुरंत याद करिए और देखिए कि उस समय क्या मोटिवेशन था जो आपने सोचा था कि आप गेट बायोटेक्नोलॉजी की प्रिपरेशन करेंगे। कुछ ना कुछ मोटिवेशन होगा ना, IIT जाना है ये मोटिवेशन होगा, या तो अच्छी नौकरी पानी है ये मोटिवेशन होगा, विदेश जाना है ये मोटिवेशन होगा, कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन रहा होगा ना, वो मोटिवेशन तो आज भी जिंदा होगा ना,
तो उसके ऊपर वापस जाइए और सोचिए कि मैंने तैयारी क्यों शुरू की थी और आज मैं क्यों पीछे हट रहा हूँ। तो सबसे पहले डू नॉट फील मोटिवेटेड। अपनी पूरी तैयारी के दौरान एक बार भी ये नहीं सोचना है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, कैसे नहीं होगा ये सोचना है। नेक्स्ट, पे अटेंशन टू पी वाई क्यूज एंड एम सी क्यूज। बहुत सारे बच्चे सिर्फ पढ़ने में समय लगा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हैं, उसका एप्लीकेशन नहीं कर रहे। उनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि हमारी तैयारी कितनी पुख्ता है, कितनी अच्छी तैयारी है, ये पता करने के लिए पी वाई क्यूज एम सी क्यूज जरूर जरूर सॉल्व करें। नेक्स्ट, अब गेट बायोटेक्नोलॉजी का ट्रेंड उठा करके देख लीजिए, धीमे धीमे करके थ्योरेटिकल चीज़ों की तरफ से हट करके जो न्यूमेरिकल चीज़ें हैं वहाँ पे अब शिफ्टिंग हो रही। तो न्यूमेरिकल्स को कतई हल्के में ना लें, जिन जिन चैप्टर से न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो ज़रूर चेक कर लें। कैसे पता चलेगा कि किन किन चैप्टर से न्यूमेरिकल उठ सकते हैं, तो आपको क्या देखना है, आप पी वाई क्यूज देख लीजिए, पुराने 10-15 ईयर के पेपर उठा के देखिए और वहाँ से देखिए कि किन किन क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। यही काम आपकी कोचिंग का होता है, यही कोचिंग करती है और आपको बताती है कि भाई ये क्वेश्चन देखो इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, तो आपके लिए वो काम आसान हो जाता है। बट अगर आप क्लासेस नहीं ज्वाइन किए हैं तो ये आपको खुद करना पड़ेगा। पी वाई क्यूज को चेक कर लीजिए, देख लीजिए कैसी कैसी प्रिपरेशन हो रही है, उस हिसाब से काम करिए। डू नॉट वरी अबाउट वॉट अदर्स हैव टू से। बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपके साथी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपसे ये कहेंगे कब तक तैयारी करते रहोगे, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बिना मतलब कर रहे हो, क्या फ़ायदा है, एमटेक कर लोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। इस तरीके से बोलने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपको किसी की भी बात नहीं सुननी है। अभी 6 महीने जो आपने सोचे हैं वो अपने ऊपर एकदम दे दीजिए, बिना किसी ये सोचे कि मेरा क्या होगा, मेरे दोस्त क्या कह रहे हैं, तो रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, तो मुझे शादी में जाना है, तो मुझे मोबाइल चलाना है, ये सब चीज़ें अभी छोड़ देंगे। 6 महीने के बाद आप करिएगा, गेट का रिजल्ट आ जाएगा, तो गेट का रिजल्ट तो लैपटॉप या मोबाइल पे ही देखेंगे ना, तब चलाइएगा। अभी फिलहाल के लिए इन सब चीज़ों का त्याग कर दीजिए, ठीक। तो इस समय एकमात्र एम या फोकस आपको दिखना चाहिए कि मेरा गेट निकलना है, बस चाहे जैसे। सिर्फ गेट ही नहीं, अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गैट भी निकलना चाहिए, सीयूईटी भी निकलना चाहिए, इसके अलावा जैम भी निकलना चाहिए, और अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो डीबीटी जेआरएफ भी निकलना चाहिए। क्यों नहीं निकलेगा, सिलेबस अलग अलग है क्या? सीएसआईआर का सिलेबस अलग है मान सकता हूँ, कौन बता सकता है मुझे कि गेट का सिलेबस और गैटबी का सिलेबस कितना परसेंट अलग है? ये सिर्फ धोखा देने की बात है कि गेट और गैटबी का सिलेबस अलग अलग है, हमारा गेट की तैयारी हो रही तो हम गैटबी नहीं निकाल सकते। मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो गेट निकालते हैं वो गैटबी निकाल लेते हैं। आपकी तैयारी में ईमानदारी होनी चाहिए, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद किया है तो फिर दोनों एग्जाम नहीं निकलेंगे, दोनों क्या सीयूईटी भी नहीं निकलेगा, फिर डीबीटी जेआरएफ और सीएसआईआर जेआरएफ बहुत दूर की बात है। इसीलिए अच्छे से पढ़िए, बायोकेमिस्ट्री जो गेट में आएगी वही गैटबी में भी आएगी, वही सीयूईटी में भी आएगी, वही डीबीटी जेआरएफ में भी आएगी, सीएसआईआर का लेवल बहुत ऊपर है तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक। तो ये सोचना छोड़ दीजिए, मेरे स्टूडेंट्स जब पढ़ रहे हैं तो गेट बीटी भी निकाल रहे हैं, गैट भी निकाल रहे हैं, बिट भी निकाल रहे हैं, सीयूईटी भी निकाल रहे हैं, सब निकाल रहे हैं एक ही जगह से पढ़ करके, एक ही कोर्स को ज्वाइन करके। तो इस लेवल का कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर में है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो क्या दूसरा कौन क्या कह रहा है इसके बारे में मत सोचिए, ठीक। अब फाइनल, अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस ऑन 8299134528 फॉर ज्वाइनिंग आर क्लासेस। अगर अब आपको इस स्ट्रैटेजी में कोई भी आपको कुछ भी पूछना है या आपको लगता है कि नहीं हमें कुछ कुछ और चीज़ें जाननी है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लूँगा, ताकि आपकी जो भी क्वेरी है हम उसको क्लैरिफाई कर सकें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।